हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के नए वीडियो में और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बापअप टेक्निकल। दोस्तों, हम मेरे एक फ्रेंड ने एक रिक्वेस्ट किया था, वो एक गेम खेल रहा था जो बहुत पुराना गेम है IGI, जो कि उसके कंप्यूटर में प्ले नहीं हो रहा था। तो उसने जस्ट मुझे बताया तो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ और शायद आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम आ रहा हो कभी IGI खेलने में, तो चलिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। देखिए पहले प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले तो हम IGI के फाइल को ओपन कर लेते हैं, जाएंगे ये रहा एप्लीकेशन IGI का, इसको प्ले करते हैं। देखिए ये ऐसे लिख के आ रहा है डायरेक्ट एक्स एरर मैसेज, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो चलिए आपको बताते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले इसको क्लोज कर लेते हैं और इसको भी क्लोज, इसको क्लोज ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पे हमें टाइप करना है DigiVoodoo 2 डाउनलोड फॉर IGI 1। देखिए आ गया है पहले, अब एक पेज ओपन हो रहा है, यहाँ फर्स्ट जो लिंक शो हो रहा है आप इस पर क्लिक कीजिए। देखो ये पहला जो दिखा रहा है इसको हमको डाउनलोड करना है, यहाँ से डाउनलोड दिस फाइल, एग्री कीजिए, फिर डाउनलोड। यहाँ कुछ सेकेंड लेगा, देखिए काउंटडाउन चालू 11 10, कुछ सेकेंड के बाद ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। फाइव एम बी का ही है, डाउनलोड हो गया। अभी हम डाउनलोड फाइल अपना ओपन करते हैं, ये देखिए डाउनलोड हो गया यहाँ पे, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एक फाइल में मैंने IGI का गेम रखा है तो वहीं पे इसको पेस्ट कर दिया। तो इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं विनरार से, जैसा कि आप देख रहे हो ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब इसको ओपन करते हैं, तो सबसे पहले जो है फोर ऑफ फाइल दिखा रहा है जो MS का, इसको आप क्लिक करो और ये 86 जो है इसको क्लिक करो और ये जो भी है आप इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद इसको हम जो IGI का जो फाइल्स है उसमें हम इसको सेव करेंगे, जैसे कि PC है और इसमें आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो आप देख रहे हो वहाँ से चार हमने फाइल यहाँ पे सेव कर दिया और फिर अगेन हमको वहाँ जाना है और बैग ले लो आप, ये जो DigiVoodoo का है इसको जो सेटअप फाइल है इसको कॉपी करो आप, इसको भी कॉपी करके वहीं पे पेस्ट करना है। देखिए यहीं पे पेस्ट करना है। अब पेस्ट होने के बाद अब इसको रन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं यहाँ से। ठीक है, एक छोटा सा पेज ओपन होके आ रहा है, यहाँ पे आपको चेक करना है सब कुछ ओके है कि नहीं। सेम आप देख लेना ये ऑन बोर्ड रैम 12 MB मैंने ऐसे सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे रेजोल्यूशन आप सेलेक्ट कर लेना अपने लैपटॉप या PC का, फिर उसके बाद
ये भी ऐसे रहने देना। फिर उसके बाद ये डायरेक्ट एक्स का सेटिंग करते, ये वी रैम है, ये 1020 ही रहने देना आप, ठीक है। और यहाँ पे भी रेजोल्यूशन सेट कर लेना, फिर ये तो जैसा है वैसा है। फिर इसको अप्लाई कर देना, फिर ओके। और जैसा कि ये हमारा सेटअप हो गया, अब हम अपना आईजे को प्ले करते हैं, देखते हैं कि प्ले होता है कि नहीं। तो दोस्तों, इसको हमें मोबाइल से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। एक्चुअली जो हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर है उसमें इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आया नहीं, तो आपको दिखाना तो पड़ेगा कि कैसे प्ले हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए, वही है जो हमने चार फाइल यहाँ पे हमने पेश किया था, और ये डीजी ओटू इसको भी हमने पेश किया था। तो चलिए इसको ऑन करते हैं, आईजे पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं गेम स्टार्ट हो गया है, अभी वो एरर नहीं आया वापस। तो इसको हम प्ले करते हैं। कुछ ही सेकंड लेता है लोड होने में गेम, क्योंकि लोड हो गया, गेम वन भी हो गया। तो तो देखा आप लोगों ने, गेम ऑन हो गया। इसको हम क्लोज करते हैं। तो देखा दोस्तों, थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन ठीक है। अभी आप लोग ये वीडियो देख के समझ गए होंगे कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसे गेम्स वगैरह के इंफॉर्मेशन चाहिए कहाँ से डाउनलोड करें और कैसे प्ले करें, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं। तो और इसका मैं लिंक दे भी दूंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में शो करूंगा कि कैसे आईजे को हम डाउनलोड करते और उसको प्ले करते। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट।